हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। गाइस, आज के वीडियो में हम देखेंगे सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस ऑफ इंडिया ने जूनियर टेक्नीशियन की कुछ वैकेंसीज निकाली हैं, उनकी क्या एज क्राइटेरिया है, हम कहां से अप्लाई करना है इस वैकेंसी के लिए, हम सब इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले, अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी अनअकैडमी प्लस से करें। अनअकैडमी प्लस पर इंडस्ट्री के बेस्ट टीचर अवेलेबल हैं आपकी हेल्प के लिए, जिससे आप अपनी ड्रीम जॉब सिक्योर कर पाएँ। अनअकैडमी पे डिस्काउंट के लिए आपको कोड अप्लाई करना है PMYT। PMYT अप्लाई करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। PMYT कोड अनअकैडमी सभी कैटेगरी के लिए अवेलेबल है, चाहे वो प्लस या आइकोनिक किसी भी तरीके का सब्सक्रिप्शन आप PMYT कोड लगा के अवेल कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में। सो ये सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस ऑफ इंडिया ने हैदराबाद सेंटर के लिए वैकेंसीज निकाली हैं। इसकी इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। ये डेट है 1st of October 2022 से 31st of October 2022 तक आप इसका फॉर्म भर सकते हो। इसका सिलेक्शन ये एक रिटन एग्जाम के थ्रू करेंगे, जो कि टेंटेटिव डेट इन्होंने एग्जाम की कंडक्ट कराने की दी है नवंबर दिसंबर 2022 में ये एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। तो आइए जान लेते हैं कितनी किस कैटेगरी में पोस्ट निकाली है सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस ऑफ इंडिया ने। तो यहाँ पे टोटल 83 पोस्ट निकाली हैं, जिसमें जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग कंट्रोल में 68 पोस्ट हैं, जूनियर टेक्नीशियन फिटर में 6 पोस्ट हैं, जूनियर टेक्नीशियन टर्नर वेल्डर एंड में 1 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल में 3 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट में 3 पोस्ट और फायरमैन की 1 पोस्ट यहाँ पे सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई की है। आइए जान लेते हैं इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया क्या है इन पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। सो मोर और लेस सभी कैटेगरी में इन्होंने एक ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी है, दैट इज ITI की डिग्री होनी चाहिए आपके पास जिस भी ट्रेड से आप अप्लाई कर रहे हो। और एज क्राइटेरिया भी मोर और लेस सेम है, दैट इज आपकी एज 18 से 25 के बीच में हो रही है। अगर आप इस इन किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करो, दैट इज आपकी डेट ऑफ बर्थ 2nd of July 1997 से 1st July 2004 के बीच में आनी चाहिए, तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। खाली एक फायरमैन की पोस्ट है, उसके लिए अलग इन्होंने क्राइटेरिया दिया है, दैट इज आप 10th पास होने चाहिए, आपके पास सर्टिफाइड होने चाहिए आप फायरमैन ट्रेनिंग के थ्रू, और आपकी हाइट होनी चाहिए 5'5", चेस्ट 31-33 होना चाहिए, आपको कोई भी आई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। आइए देख लेते हैं इसमें हम जो एज रिलैक्सेशन दे रखी है इन्होंने। एज रिलैक्सेशन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 ईयर्स दे रखी, OBC के लिए 3 ईयर्स, PWD के लिए 10 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन के 3 ईयर्स, विडो के लिए 5 ईयर्स, डिफेंस पर्सनल के लिए 3 ईयर्स to 8 ईयर्स एंड डिपार्टमेंट कैंडिडेट के लिए नो एज बार, वहाँ पे कोई इन्होंने एज रिस्ट्रिक्शन नहीं दी है। आइए देख लेते हैं हम इसमें एग्जामिनेशन फीस कितनी हमें पे करनी होगी इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। सो यहाँ पे UR, EWS एंड OBC कैंडिडेट को 600 फी पे करनी होगी और SC ST PWD कैंडिडेट को 200 रुपीज़ फी पे करनी होगी इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। आइए हम देख लेते हैं जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे उसका इन्होंने क्या एग्ज़ाम किस पैटर्न पे कंडक्ट कराएंगे। सो ये एग्ज़ाम इन्होंने कराया 2 पार्ट्स में एग्ज़ाम होगा, दैट इज़ 1st पार्ट में इन्होंने जनरल अवेयरनेस, जनरल एबिलिटी, बेसिक इंग्लिश और रीजनिंग पूछेंगे, जिसमें 15-15 क्वेश्चन चारों सेक्शन के हैं, जिनका हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, 1 घंटे का ये एग्ज़ाम होगा। और सेकेंड पार्ट जो है, जो कि जिस भी ट्रेड से आपने अप्लाई किया है उसका एग्ज़ाम होगा, जो कि 60 मिनट का होगा, 60 क्वेश्चन, और हर एक जो टोटल मार्क्स होंगे वो 90 मार्क्स का होगा सेकेंड पेपर, सो टोटल मार्क्स 150 होगा और 2 घंटे के ये पेपर होंगे। आइए देख लेते हैं हम इसे इन जॉब के लिए अप्लाई कहाँ से कर सकते हैं। ये जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन साइट पे spphyderabad.spmcil.com पे जाके आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सो अगर आप अबव मेंशन क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी अनअकैडमी प्लस से करें। अनअकैडमी प्लस में मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए आपको कोड अप्लाई करना है PMYT। PMYT अप्लाई करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा।